केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यूपी पुलिस द्वारा बरती गई सख्ती का कानपुर व मेरठ में विरोध हुआ है। मेरठ में यह विरोध हालांकि हल्का रहा, लेकिन कानपुर में पुलिस ने सपा नेता सम्राट विकास यादव को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में हिरासत में ले लिया। इसका विरोध करते हुए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पनकी थाने पहुंच गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह पुलिस ईद पर ऐसा कर रही है, रामनवमी पर भी करके दिखाए। इस बात को लेकर वे थाने पर धरने पर भी बैठ गए। देखिए पहले कानपुर में हुआ विवाद। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, डीसीपी होंगे, हम देखेंगे ऐसी बात की आप ये धर्म के आधार पे भेदभाव करेंगे, झंडे के आधार पे उसका अपराध ये था, क्योंकि वो सभा का है, ये भी अपराध उसका। ऐसा नहीं, ये आप नहीं चलेगा। आप अगर उस गलत तरीके से उसको गिरफ्तार करेंगे तो हमको गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की तानाशाही बढ़ती जा रही है। आज जब पूरे देश में ईद का त्योहार हंसी खुशी मनाया जा रहा था, हमारे कानपुर मनाया जा रहा था, मसवान अरमापुर की ईदगाह में मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही थी, और तो और पुलिस के आला अधिकारी स्वयं विजय ढुल डीसीपी बदतमीजी से नमाजियों को भगा रहे थे। हमारे नेता सम्राट विकास उनको टोक दिया कि ईद का त्यौहार है भाई साहब, थोड़ा प्रेम से थोड़ा आसानी से कह दीजिए। इतनी बात तो नाराज हो गए, उनकी ईगो हिट हो गई, उन्होंने सम्राट विकास को उठवा कर गाड़ी में लाद दिया, उनकी गाड़ी बंद कर दी, अनेक तरीके से प्रताड़ित करके मुकदमे लगा के जेल भेजने की बात कर रहे हैं। हम सब लोग पुलिस के इस तानाशाहीपूर्ण रवैया, जिसमें अधिकारी का अहंकार लोकशाही से बड़ा हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं, और हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोकतंत्र कुचलने वाले अधिकारी हैं तो हम लोग लोकतंत्र के रक्षा के रूप में जेल जा करके ऐसे अधिकारियों को जवाब देना पसंद करेंगे। या तो हमको जेल भेजेंगे या सम्राट विकास को छोड़ेंगे, दो में से एक काम होने पर हम लोग छोड़ देंगे यहाँ से। आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्र अंतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से शुभ होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहां आ रहे थे, उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर आज सुबह मेरठ ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने से पुलिस ने लोगों को रोक दिया। यहां भीड़ ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए लगाए गए बैरिकेडिंग भी तोड़ डाले। पुलिस बल की भारी मौजूदगी के कारण नमाजी ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। देखिए जाइए, ईदगाह पे बैठिए, गलियों पे बैठिए, रोड खाली करिए, आप लोग रोड खाली करिए, चलिए अंदर जाइए, गलियों में बैठिए, पूरे रोड खाली हो गया, अंदर जाओ बेटा, कब्रिस्तान में बैठो, तो ईदगाह में बैठिए आप लोग।
अंदर जाइए सब लोग, रोड खाली करिए, सब लोग अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर खाली हो गया, जाइए अंदर जाके बैठिए, अंदर जाके बैठिए भैया, अंदर खाली है, छतों पे बैठ जाइए, अंदर बुला रहे हैं, जाइए रोड पे बैठिए, कोई जाइए छतों पे बैठिए, अंदर तक बुला रहे हैं, जाइए कब्रिस्तान बगल वाला है उस पर बैठ जाइए, पूरा वाला उठेगा, आप लोग यहाँ तो सुनाई भी नहीं देगा, जाइए अंदर बैठिए, आप लोग सभी अंदर जाइए, सभी अंदर जाइए, खाली गलियों पे जाइए, गलियों पे चले जाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी, नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपनी इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।